और चलिए बात करेंगे श्रीगंगानगर की। पांचों विधानसभा सीट की मतगणना पूरी हो चुकी है। दो सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। श्रीगंगानगर की पांचों विधानसभा की ये मतगणना पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दो सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, नतीजे सामने आ चुके हैं श्रीगंगानगर के। और बता दें कि तीन सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी है, दो सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता रहे हैं। श्रीगंगानगर से बीजेपी के जयदीप बिहाड़ी जीत चुके हैं और स्पष्ट नतीजे आ गए हैं। अनूपगढ़ से कांग्रेस शिमला नायक जीती है, ये उनके नतीजे सामने आ चुके हैं, काउंटिंग वहां पर पूरी हो चुकी है। सूरतगढ़ से अगर बात की जाए तो कांग्रेस के डोरंग राम गेदर जीत चुके हैं और सादुल शहर बीजेपी गुरबीर सिंह बराड़ भी यहां से जीत चुके हैं, सादुलपुर शहर से। और रायसिंह नगर से कांग्रेस के मोहन नायक जीत चुके हैं। और ये बता दें कि नतीजे अब आ चुके हैं स्पष्ट रूप से। श्रीगंगानगर की पांचों विधानसभा सीट की मतगणना पूरी हो चुकी है, सभी के नतीजे सामने आ चुके हैं। दो सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए यहां से तो कांग्रेस ने भी तीन सीटों पर बाजी मार ली है। और आपको बता दें कि श्रीगंगानगर से बीजेपी के जयदीप बिहाड़ी जीत चुके हैं, उनको नतीजे सामने आ चुके हैं स्पष्ट बहुमत। और अनूपगढ़ से कांग्रेस की शिमला नायक जीत चुकी है, उनको भी नतीजे सामने आ चुके हैं।